दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट डेवलप कर रही है, लेकिन इसे अभी भी तेजस का ही एक नाम दिया गया है, यानी कि इसे अभी भी तेजस मार्क 2 कहा जाता है। लेकिन अब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट को एक नया नाम मिलने वाला है। डॉक्टर गिरीश धियोडरे, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कंफर्म किया है कि इंडिया के नए फाइटर जेट, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर जेट कहा जा रहा है, उसे एक नया नाम दिया जाएगा ताकि इसे एलसीए तेजस प्रोग्राम से डी क्लासीफाई किया जा सके, क्योंकि ये नया एयरक्राफ्ट अपनी पेलोड और फ्यूल कैपेबिलिटीज की इंक्रीमेंटल ग्रोथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसे एलसीए कहना अभी सही नहीं होगा। इस एयरक्राफ्ट को अभी भी इंटरनली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इसे अभी भी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम ही कहा जा रहा है। मीडियम वेट फाइटर जेट में एक 17,500 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा, जिसे कि पूरी दुनिया में मीडियम वेट कैटेगरी एयरक्राफ्ट के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है, तो इसीलिए इसे एलसीए नहीं कहा जा सकता, जिसे कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। मीडियम वेट फाइटर जेट नए फाइटर जेट प्रोग्राम का एक नया एक्रोनिम या एक नाम है जो कि अंडर डेवलपमेंट में है। इसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक नया नाम मिलने तक इस नए फाइटर जेट को मीडियम वेट फाइटर जेट या तेजस मार्क 2 ही कहा जाएगा। एलसीए को तेजस नाम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस का संस्कृत में मतलब रेडियस होता है। तब ऐसे एफर्ट्स किए गए थे कि इसे HFXX हिंदुस्तान फाइटर का एक फाइटर जैसा एक नाम दिया जाए, क्योंकि इससे पहले देश में सबसे पहले बना एक एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट था, तो इसीलिए HF डेजिग्नेशन इस नए फाइटर जेट को देने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये काम कभी नहीं हुआ। इस नए फाइटर जेट को नाम देने के लिए ट्विटर पर कुछ लोगों ने सजेशन देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि इस नए फाइटर जेट की नेमिंग सेरेमनी इसकी पहली फ्लाइट के बाद ही होगी, जो कि 2023 में होने वाली है। इस फाइटर जेट का नाम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी मैं आपको कुछ सजेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ट्विटर के ऊपर लोगों ने शेयर किए हैं। सबसे पहला सजेशन है वज्रा 2। वज्रा का नाम है थंडरबोल्ट, जो कि एक मिथिकल वेपन है। मिराज 2000 की अपग्रेड को भी वज्रा ही कहा जा रहा है। दूसरा नाम है बाज 2। बाज एक बर्ड है। MiG-29 को भी बाज ही कहा जाता है, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर जेट रिप्लेस करने वाला है। तीसरा नाम जो सजेस्ट किया जा रहा है वो है अधिप, जिसका मतलब है रूलर। चौथा नाम है व्योम, जिसका मतलब है पंक्षी यानी कि बर्ड। पांचवा नाम है ओजस, जिसका मतलब है ब्रिलियंस, शाइन, ग्लो। छठा नेम है मारुत 2। मारुत का मतलब है वायु यानी कि हवा। मारुत 2 इसलिए क्योंकि इसका नाम HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट के नाम के ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।